तो इसलिए आज हम यहाँ पे बच्चों के लिए और जो पढ़े लिखे हमारे जवान हैं उनके लिए एक स्किल और एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम कर रहे हैं डेयरी बिजनेस में, मिल्क प्रोसेसिंग में। तो हमारी यूनिवर्सिटी ने एक बहुत बड़ा एक ये प्रोग्राम उठाया है, एक चैलेंज उठाया है कि हम यहाँ पे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में जो हमारे जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनका हुनर और उनका स्किल हम कैसे बढ़ाएंगे। अगर आप स्लगिश हैं और आपको पता भी, आप कुछ भी नहीं करेंगे। इवन इफ यू हैव फंडेड बाय आईफेड मींस इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। कंपोनेंट रहेगा हमारा जो आपके साथ जिसका कनेक्शन वो है कि हम अपने बिजनेस को कैसे प्रमोट। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मेरे अपने और भी कुछ असाइनमेंट्स हैं। कुछ इनोवेशन होना चाहिए और पैशन होना बड़ा जरूरी है। अगर आप स्लगिश हैं हम यहाँ पे गैदर हुए हैं एक स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए जो कि आए दिन हमारी यूनिवर्सिटी में होता रहता है। लेकिन इसमें एक स्पेशलिटी ये है कि ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा इस बार इन्होंने मतलब कंडक्ट किया है, इसके अंडर हम चाहते हैं कि जो एंटरप्रेन्योरशिप हो या जो स्किल डेवलपमेंट हो उसको हम इनकल्केट कर सके यूथ में मोस्टली। मैं ये नहीं बोल रहा मैंने कुछ किया सर, ओनली थिंग जम्मू तो इसलिए मेरा मोटिव है। मैं चाहती हूँ कि कोई भी अंदर इतने पार्टिसिपेंट्स है, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स है भी, उन लोगों ने अपने साथ साथ बहुत सारों को काम दिया है। अगर मैं नहीं और कोई सही काम स्टार्ट करेगा, मुझे लगता है अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम हो जाएगी अगर कोई एंटरप्रेन्योर अच्छा खासा बनेगा। अगर आप स्लगिश हैं और आपको पता भी, आप कुछ भी नहीं करेंगे। इवन इफ यू हैव फंडेड बाय आईफेड मींस इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट।